राम राम भैया। भैया आज काहे नहीं करते भैया? भैया ये नर्सरी में पौधा डाल रहा हूँ टमाटर की भैया, अब ये पौधा बड़े है गए से, अब ये लो उखाड़ के यार मैं खेत में लगा हूँ भैया। अच्छा भैया, ये नर्सरी ले कब लगा रहे भैया, कितने दिन है गए? ये भैया 20 से 25 दिन है गए भैया। अच्छा 20 से 25 दिन है गए नर्सरी? हाँ हाँ भैया। भैया नर्सरी लगाने से क्या फायदा, आप तो या टमाटर खेत में ऐसे लगा लेता। हाँ भैया ऐसे भी लगा लेते हैं भैया, पर वो नर्सरी में डाले से वो ये फायदा है भैया कि पौधा अच्छा बनता है और स्वस्थ पौधा रहता है भैया, और खेत में ऐसे बीज अखर डाल दें टमाटर के तो वो कोई पौधा जीत है और कोई पौधा मर जाता है। अच्छा भैया, हाँ वजह से ये नर्सरी में टमाटर बीज डाल के और अब बड़े हो गए सब लगाने हैं भैया। भैया नर्सरी में पौधा कब लगा रहा भैया, और कैसे पता चलता है कि पौधा लगाने लायक है? हाँ भैया अभी वो पौधा दिखाए मैं तो 20 से 25 दिन है गए भैया, वो उखाड़न योग है लगान लो, और ये है तो अभी छोटा है भैया, ये 16-17 दिन की है। अच्छा। तो ये अभी जब तक 20 से 25 दिन ना हो तब तक ये लगान योग नहीं है। अच्छा। टमाटर रोपाई के लिए काहे काहे सामग्री लगती है? हाँ पौधा उखाड़ने से पहले एक निप्रोड है भैया, ये 10 ग्राम निप्रोड 1 चम्मच और 1 लीटर पानी में घोल था भैया। ये खुरपी है भैया, ये खुरपी से पौधा को उखाड़ था भैया। ये तगाड़ी है भैया, ये तगाड़ी में 1 लीटर पानी डाले हूँ। अच्छा एक ही का काम है भैया? एक ही काम है भैया, 10 ग्राम निप्रोट इसमें घोल था भैया। अच्छा। ये लकड़ी है भैया, इससे निप्रोट डाल के और इसमें घोल बना था भैया, ऐसे पानी और निप्रोट मिला। हाँ पानी और निप्रोट मिला के ऐसे ढंग से घोल कर था। ये लोटा है भैया, पौधा लगाने के बाद खेत में और पानी डालता हूँ भैया। ये गोबर खाद है भैया सड़े हुए, ये 2 दिन पहले मैं निप्रोड मिला के सड़ा दे रहा हूँ भैया।